नौबत खाने में इबादत उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन के विभिन्न पक्षों को बताता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उनके साथ वाले व्यक्ति कौन हैं, क्योंकि पाठ में इसकी हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सन 1916 से 1922 के आसपास काशी में 6 वर्ष का अमीरुद्दीन अपने 9 साल के बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने मामाओं के घर आकर रहने लग जाते हैं। उनके मामाओं का नाम सादिक हुसैन और अली बख्श होता है। इनके दोनों मामा देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। शहनाई एक तरह का यंत्र है जो वाद्य यंत्र होता है और अधिकांशतः विवाह समारोह में बजाने के काम में लिया जाता है। यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने दिन की शुरुआत पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजा करके किया करते हैं। अमीरुद्दीन ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम है, यानी कि वो 6 वर्ष में काशी में आ गए थे रहने के लिए अपने मामाओं के पास शिक्षा लेने के शहनाई की। इनका जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। डुमराव में सोन नदी के किनारे पाए जाने वाली नरकट नामक घास से शहनाई की रीड बनाई जाती है, जिससे शहनाई बजती है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान और पिता उस्ताद पैगंबर बख्श खान थे। इनके माता का नाम मिठन था। अमीरुद्दीन अथवा बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष की उम्र में बालाजी के मंदिर में जाते समय रसूलन बाई और बतूलन बाई के घर के रास्ते से होकर के जाते थे। इन दोनों बहनों के गाए हुए ठुमरी टप्पे दादरा के बोल इन्हें बहुत अच्छे लगते थे। इन्होंने स्वयं माना है कि उन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में संगीत के प्रति लगाव इन दोनों बहनों के कारण ही हुआ था। वैदिक साहित्य में शहनाई का कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। शहनाई को मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों से निकलने वाली ध्वनि के वाद्यों में गिना जाता है, जिसे सुषिर वाद्य कहते हैं। यानी कि जो वाद्य यंत्र मुंह से बजाए जाते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, सुषिर वाद्य कहा जाता है। शहनाई को साहेनय कहकर सुषिर वाद्यों में शाह माना जाता है। 16वीं शताब्दी के अंत में तानसेन द्वारा रचित राग कल्पद्रुम की बंदिश में शहनाई मुरली वंशी श्रृंगी और मूर्छंग का वर्णन मिलता है। अवधि के लोकगीतों में भी शहनाई का उल्लेख प्राप्त होता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम के समान शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि का प्रतीक है, यानी कि सुबह होने के मंगल ध्वनि का प्रतीक है। 80 वर्ष के होने पर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान परमात्मा से सदा सुर में तासीर पैदा करने की दुआ मांगते रहे हैं, यानी कि परमात्मा से वो कहते हैं कि उनका सुर हमेशा बना रहे। उन्हें लगता है कि वे अभी तक 7ों सुरों को ढंग से सीख नहीं पाए हैं। बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को खड़े होकर शहनाई बजाते हैं और दाल मंडी में फातवान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल ही रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों के बलिदान की स्मृति में भीगी रहती हैं। अपने खाली समय में वे जवानी के दिनों को याद करते हैं, जब रियाज से अधिक उन पर कुलसुम हलवाई की दुकान की कचौड़ियाँ खाने, गीता बाली और सुलोचना की फिल्में देखने का जुनून सवार रहता था।
वे बचपन में मामू मौसी और नानी से दो दो पैसे लेकर 6 पैसे का टिकट लेकर 3rd क्लास में फिल्म देखने जाते थे। जब बालाजी मंदिर पर शहनाई बजनाने के बदले अठन्नी मिलती थी तो वे उसे भी कचौड़ी खाने और सुलोचना की फिल्में देखने में खर्च कर देते थे। उन्हें कुलसुम की कढ़ाई में कचौड़ी डालकर तलते समय उत्पन्न होने वाली छन्न की ध्वनि में भी संगीत सुनाई देता था। विगत कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मोचन मंदिर में होता है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत का सम्मेलन होता है। इसमें बिस्मिल्ला खान अवश्य ही रहते हैं। उन्हें काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार श्रद्धा है। वे जब भी काशी से बाहर होते हैं तो विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की ओर मुंह करके थोड़ी देर शहनाई अवश्य ही बजाते हैं। उन्हें काशी से बहुत मोह है। वे गंगा, विश्वनाथ, बालाजी की काशी को छोड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते हैं। उन्हें इस धरती पर काशी और शहनाई से बढ़कर कहीं भी स्वर्ग दिखाई नहीं देता है। काशी ही उनकी अपनी संस्कृति है। बिस्मिल्ला खान का पर्याय उनकी शहनाई है।